हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने अपनी बिजनेस स्टडी बुक का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस। इस चैप्टर का हमने फोर्थ चैप्टर का मीनिंग पढ़ लिया है, नेचर पढ़ लिया, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, और कल हमने किया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि बहुत सारे ऐसे हैं मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स जिन्होंने मैनेजमेंट के बारे में अपने थॉट्स दिए हैं। इसमें आज हमने फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, कि हेनरी फ्योल, उसका फुल नेम है फ्योल का, कि इसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं मैनेजमेंट के बारे में, ये क्या बोलना चाहते हैं कि अगर हम किस टाइप से मैनेजमेंट करेंगे ताकि हमारी जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी। इन्होंने 14 व्यूज़ अपने दिए हैं, 14, और जो कि इस तरह है। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल का क्या कहना है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम काम को बांट दें, डिवीजन ऑफ वर्क कर दें, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है उनको बांट दें, लाइक अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है जो कि पैकिंग वाली है, तो रॉ मटेरियल लेने के लिए एक अलग कमेटी बना दें, उसके बाद रॉ मटेरियल को सेट करने के लिए जब हम लेके आते हैं उसको सही करने के लिए एक अलग कमेटी बना दे, उसको फिर फिनिश गुड में ट्रांसफ़र करने के लिए अलग बना दे, फिर पैकिंग के लिए अलग बना दे, और सेल करने के लिए भी अलग डिपार्टमेंट उसका बना दे अपने बिजनेस में ही, तो वो काम ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए हम एक ही काम बार बार करते हैं तो हम उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, इसीलिए इनका कहना है कि काम को बांट देना चाहिए ताकि स्पेशलिस्ट ही आ सके हमारे काम में। उसके बाद है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड इन्होंने बोला है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारे बिजनेस में कोई काम कर रहा है वर्कर, तो उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हम कि ये वाला काम तूने कंप्लीट करना है, इसके लिए हमें उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। ओके, मतलब अगर हमने उसको कोई काम दिया है तो उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए, उसको अधिकार देना चाहिए कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर सके, उसको इतनी पावर होनी चाहिए। ओके, एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, इस एग्जांपल में इन्होंने बोला है कि मान लीजिए 200 स्कूटर बनाने का हमने टारगेट दे दिया किसी को, और उसको ये पूरा हक होना चाहिए कि वो स्कूटर बनाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टूल्स हैं, मटेरियल्स हैं, स्टोर में से यूज़ कर सकता है। बाई चांस अगर उसको ये अथॉरिटी नहीं दी जाती तो वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेगा। इसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रजे सभी को पता है और सभी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिसिप्लिन का। अगर कोई वर्कर है हमारे वो सही तरह से काम नहीं करते डिसिप्लिन में रह के, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है रजे कि मान लो हमारे बिजनेस में अलग अलग वर्कर काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्कर को सभी कमांड दे, सभी ऑर्डर दे, एक वर्कर को बस एक ही ऑर्डर मिलना चाहिए, एक ही बंदे से ऑर्डर मिलना चाहिए। ओके, अगर सभी उस पर ही अपने ऑर्डर थोपेंगे तो वो काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा, ये बोला गया है। सुपरवाइज़र है, यूनिटी ऑफ कमांड है, सबॉर्डिनेट है, मतलब एम्प्लॉई को किससे मिलना चाहिए, सुपरवाइज़र से ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे जो हैं ऑर्डर दे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वन हेड एंड वन प्लान। इट मीन्स कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको जो डायरेक्शन है वो सेम मिलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कोई उसको क्या, किसी वर्कर को क्या बोल रहा है और कोई क्या ऑर्डर दे रहा है, मतलब यूनिटी होनी चाहिए डायरेक्शन में, सभी का टारगेट, एक ग्रुप वालों का टारगेट सेम होना चाहिए। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, ठीक है, तो सभी का उस जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सभी का यही मोटिव होना चाहिए।
यूनिटी होनी चाहिए उनके डायरेक्शन में कि किस तरफ हमने काम करना है। आगे हम कर लेते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ है सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो रजे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करते हैं उनकी भी फैमिली होती है, उन्होंने भी अपने फैमिली का ध्यान रखना होता है, उनके भी अलग से क्या होते हैं इंटरेस्ट होते हैं, और जो एक कंपनी होती है उसके अलग से इंटरेस्ट होते हैं। तो जो सबॉर्डिनेट हमारे काम कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है, उसको क्या होना चाहिए कि सबसे पहले जब वो बिजनेस में आता है तो बिजनेस के इंटरेस्ट का ही ध्यान रखे। इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो एक वर्कर है, एक एम्प्लॉई है, उसका क्या इंटरेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। ठीक है, मान लो कंपनी पर जहाँ वो काम कर रहा है बिजनेस में, वहाँ एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तब भी उस एम्प्लॉय को उस कंपनी का साथ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो उस कंपनी को, और जिससे ही उसका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए ये बोला गया इस पॉइंट में कि एक जो एम्प्लॉई है उसको सेल्फ इंटरेस्ट से पहले अपनी कंपनी का और बिजनेस के इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। अब ये जो पॉइंट है ये एक उनकी तरफ से आ रहा है, जो हेड हैं, मैनेजमेंट हैं, उनकी तरफ से एम्प्लॉयज़ को डेडिकेट किया जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको उनकी पूरी सैलरी, उनका पूरा रेम्यूनरेशन देना चाहिए, कमीशन देना चाहिए, सही वेजेस देनी चाहिए प्रॉपर मेथड से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और हमारी जो कंपनी है, हमारी सोसाइटी है या हमारा बिजनेस है उसमें हमारी हेल्प कर सकें और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा सकें प्रॉफिट अर्न करने में। इसके बाद के जो पॉइंट हैं वो हम कल रीड आउट करेंगे। 14 जो इन्होंने दिए हैं, थॉट्स दिए हैं 14, आज हमने 7 कर लिए हैं, बाकी रिमेनिंग जो 7 हैं वो हम कल रीड आउट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।